हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल trenddigi.com। मैं हूँ वर्षा। BSNL 4G लॉन्च होने की बात काफी टाइम से न्यूज में है और ऐसा माना जा रहा है कि BSNL 4G अगर लॉन्च हो चुका होता तो कस्टमर्स के लिए 4G एक्सपीरियंस काफी बेहतर होता, क्योंकि उन्हें जियो और एयरटेल पे प्राइमरली डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता 4G सर्विसेज के लिए। BSNL 4G भी एक अच्छा ऑप्शन होता, लेकिन ऐसा बहुत जल्दी नहीं होने वाला है क्योंकि BSNL बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है 4G नेटवर्क्स रोल आउट करने में पैन इंडिया। BSNL ने शायद बहुत पहले ही 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया होता कुछ सिटीज में अगर उनका टेंडर इंटरफेयर नहीं हुआ होता। खैर, अभी तुरंत 4G नेटवर्क रोल आउट करने के लिए ना ही उनके पास रिसोर्सेस हैं और ना ही पैसे। लेकिन क्या BSNL 4G रोल आउट होने के बाद कस्टमर्स को एक्चुअल में फायदा होगा, ये बात बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात तो आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क कैसा आता है, कवरेज कैसी है BSNL की, डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड कैसी है, इससे पूरा यूजर एक्सपीरियंस डिपेंड करता है BSNL 4G का। प्लस BSNL एक गवर्नमेंट फर्म होने की वजह से उनके प्लान काफी सस्ते होते हैं कंपेयर टू एनी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर, विच कैन बी अ ह्यूज फैक्टर टू अट्रैक्ट मल्टीपल न्यू यूजर्स एंड ऑल्सो रिटेन इट्स ओल्ड कस्टमर्स। हालांकि BSNL को 5G ट्रायल्स की परमिशन भी मिल गई है, लेकिन 5G तक पहुंचने के बहुत पहले 4G लॉन्च करना जरूरी है और एक बार 4G सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद ही वो 5G रोल आउट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। करंट सिचुएशन को देखते हुए तो यही लगता है कि ईयर 2023 के स्टार्टिंग स्टेज में ही हम शायद BSNL 4G देख पाए, और अगर ऐसा होता है तो काफी प्रॉफिटेबल होगा कंपनी के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। सो गाइस, BSNL की तरफ से लेटेस्ट 4G अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल trenddigi.com। अगर आप अपना सिम मंगाना चाहते हैं घर बैठे ही तो आपको trenddigi.com पर जाना है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।